हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24 डिजाइन पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और प्यार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं। और प्यार दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है, कल संडे है भाई, कल संडे सब लोग जानते हैं। तो भाई संडे को 9 बजे मैराथन क्लास है आपकी, 9 PM पर मैराथन क्लास होने जा रही है। तो प्यार दोस्तों, आप में कोई भी बच्चा जो ये वीडियो को देख रहा है, याद रखना दोस्तों, कल रात 9 बजे जरूर आना। दुनिया के किसी भी कोने में रहो, रात को 9 बजे मैराथन क्लास लेना, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो कल रात 9 बजे मैराथन क्लास में मिलेंगे गाइस। तो चले गाइस, आज से पहला क्वेश्चन ये रहा आज के सेशन का, कह रहा है निम्न में से किस पौधे पर ग्रेगर मेंडल ने अपना शास्त्रीय प्रयोग किया था। यानी कह रहा है कि ग्रेगर जो मेंडल थे, उन्होंने अपने जीन्स एक्सपेरिमेंट के लिए किस पर जो था एक्सपेरिमेंट किया था, ग्राम, मेज, पी और वेट। जवाब दें क्या होता है आपका, फर्म का जवाब दे दोस्तों, क्या होता है आपका अटेम्प्ट दोस्तों, क्या होता है आपका, प्रयास करते चलें, कोशिश जरूर करें, जवाब जरूर दीजिएगा गाइस, क्या उत्तर है आपका बताएं। फर्म का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही, मटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, मटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सरकार ने बीमा क्षेत्र की FDI सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द FDI लिमिट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू हाउ मच परसेंट। चार ऑप्शन है, 81, 74, 59 और 100। जवाब देखा था आपका, FDI सीमा किसमें, बीमा क्षेत्र में FDI सीमा पूछ रहा है मेरे दोस्तों, बताइए। यानी बीमा क्षेत्र में FDI कितने परसेंट है, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, 74% इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, महावीर, स्वामी पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, मल्लिनाथ। जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका, जवाब जरूर दीजिए गाइस, प्रयास जरूर करें दोस्तों, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, क्या होता है आपका, जैन धर्म के संस्थापक, बिल्कुल गाइस, ऋषभ देव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। और महावीर स्वामी को वास्तविक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक अगर पूछे, वास्तविक संस्थापक पूछे तो याद रखना महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, हु वर द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जवाब देखा था आपका, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव, मल्लिनाथ। जवाब दें, क्या उत्तर है आपका, 23वें तीर्थंकर पूछा है, बिल्कुल सही कहा, 23वें तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में पार्श्वनाथ को जाना जाता है, बिल्कुल सही। और पार्श्वनाथ जो थे बनारस के राजा, याद रखिएगा, बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, अश्वसेन के पुत्र थे कौन, एज ए पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म पूछा है, बताएं क्या होता है दोस्तों, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न। जवाब दें, क्या उत्तर है आपका, पाटलिपुत्रा, वैशाली, लुम्बनी, बोधगया। क्या होता है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, लुम्बनी में, बोधगया में। जवाब दें, क्या उत्तर है आपका, प्रयास करें दोस्तों, बिल्कुल सही, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था मेरे दोस्त, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम पूछा है, जवाब दो, क्या था आपका, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी। क्या होता है दोस्तों, प्रयास करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या होता है आपका, सिद्धार्था, वर्धमान, राहुल, गौतम। चार ऑप्शन आपके पास है, जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर है आपका बताएं, बिल्कुल सही, वर्धमान इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, जबकि सिद्धार्थ की बात करें तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बताएं। कह रहा है, अंडर विच ट्री डिड महावीर स्वामी अटेंड एनलाइटमेंट। जवाब देंगे तो आपका, पीपल, नीम और साथ साथ में ये साल है भाई, याद रखिएगा, ये साल है, ईयर नहीं है, साल है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, साल है, ठीक है। और शीशम, बताएं, बिल्कुल सही गाइस, साल के पेड़ के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के पेड़ के नीचे, याद रखिएगा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे, और साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जय तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत जोड़ा था, महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत कौन सा जोड़ा था मेरे दोस्त, बताइए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जवाब देगा आपका, खेसारी लाल यादव जवाब दें, और सांसद में अश्मुल भाई जवाब दें, और जयश्री जवाब दें, लीपा समल जवाब दें, प्रिया जी जवाब दें, और सोएब जाकिर हुसैन जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सही, ब्रह्मचर्य इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ब्रह्मचर्य इज द राइट आंसर। और क्या था भाई, तो एक और था अस्तय, याद रखिएगा, अस्तय यानी चोरी नहीं करना, याद रखना, ये पांच क्या थे महाव्रत थे जिसमें
महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अगला क्वेश्चन ये रहा, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? सीधे पेपर में पूछेगा, सीधे पेपर में पूछेगा, द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा महावीर वर ओरिजिनली कॉल्ड वॉज, क्या होता है दोस्तों जवाब दीजिए, क्या होता है आपका, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था गाइस? बिल्कुल सही, निगरत कहा जाता था। याद रखिएगा, जो भी महावीर स्वामी के अनुयायी होते थे उसे निगरत के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही तानिया गहलोत, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। अश्वंजित भाई प्रयास करते चलो, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए आज गाइस। 100 में से मुझे अपेक्षा कि 100 में कम से कम आप 80 क्वेश्चन करेक्ट बनाएं, 100 में कम से कम 80 क्वेश्चन आपके सही बने चाहिए। कह रहा है जैन धर्म के कुछ अनुयायी किसके नेतृत्व में सवन बेलगोला गए थे? जैन धर्म के कुछ अनुयायी किसके नेतृत्व में सवन बेलगोला गए थे बताएं? कह रहा हु इज लेड बाय सम फॉलोअर्स ऑफ जैन रिलीजन वेंट टू सवन बेलगोला, जवाब देखिए आपका, स्थूलभद्र सुधर्मन वसुमित्र भद्रबाहु, यानी कि जैनों में से कौन से जैन गुरु थे जो दक्षिण भारत गए थे? बताइएगा तो आपका, बिल्कुल सही गाइस, भद्रबाहु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही भद्रबाहु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भाई तेजी से करेंगे, रैपिड फायर स्टाइल में चल रहा है, रैपिड फायर स्टाइल में चल रहा है मेरे दोस्तों। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द, बताएं हु वॉज द फाउंडर ऑफ द श्वेतांबर सेक्ट, बताएं गाइस श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताएं भद्रबाहु स्थूलभद्र देवाश्री क्षमाश्रमण कालकाचार्य, जवाब दीजिए, प्रयास करिए, अटेम्प्ट लीजिए, क्या होता है आपका? बिल्कुल गाइस स्थूलबाहु इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही स्थूलबाहु। भाई ये इसका जरा ये इंग्लिश में गलत हो गया था, इसको स्थूलबाहु कर लेना मेरे दोस्त, स्थूलबाहु इज द राइट आंसर, याद रखना ठीक है। चले गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, सियादवाद किसका सिद्धांत है? सियादवाद पूछा किसका सिद्धांत है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म, बताएं क्या तो आपका, प्रयास के दोस्तों सियादवाद किसका सिद्धांत है? वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, क्या उत्तर है दोस्तों बताइए? तानिया गहलोत जवाब दें, देवाशीष बर्मान, बिंदु वर्मा, जाकिर हुसैन, तानिया गहलोत, संजीत एम्पायर, हैप्पी भाई, आशु सिंह, साक्षी गुप्ता, आशु सिंह, साक्षी गुप्ता, और साथ साथ में प्यारे दोस्तों सीएम जवाब देते चलिए भाई। देखो सही जैन धर्म यानी सियादवाद किसका सिद्धांत था, तो जैन धर्म का सिद्धांत था मेरे दोस्तों, क्लासरूम में आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं बताइए? जैन साहित्य को क्या कहते हैं भाई? व्हाट इज द जैन लिटरेचर कॉल्ड, बताइए भाई क्या होता है आपका? व्हाट इज द जैन लिटरेचर कॉल्ड, चार ऑप्शन है आगम, त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या होता है आपका? जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? बिल्कुल सही गाइस आगम कहा जाता था, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद पूछा मेरे दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? चार ऑप्शन है वज्रस्वामी, सुधर्मन, मल्लीनाथ और गौशाल, बताइए क्या तो आपका, बताइए भाई महावीर स्वामी के बाद कौन जैन संघ का अध्यक्ष बना था? बिल्कुल सही सुधर्मन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही सुधर्मन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही मेरे दोस्त सुधर्मन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु पूछा मेरे दोस्तों, बताइए क्या उत्तर आपका? वेयर डिड महावीर स्वामी डाइड, बताइए भाई क्या उत्तर आपका? पावापुरी में मरे थे, वैशाली में डेथ हुई थी, कुशीनगर में डेथ हुई थी, विराटनगर में हुई थी, कहां पर डेथ हुई थी मेरे दोस्तों बता दीजिए, क्या उत्तर है आपका? प्यारे दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, याद रखना 15 क्वेश्चन करा चुका हूं, और प्यारे दोस्त अगर आपने शेयर नहीं किया तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो बताएं क्या तो आपका, बिल्कुल सही गाइस इसका आंसर क्या होगा बताइए, बिल्कुल सही पावापुरी में, बिल्कुल सही महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जैन धर्म इसी के साथ खत्म। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, पूरा जैन धर्म का रिवीजन एक बार में दोस्तों आपका हो गया। ताइवान में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा है, बताएं मुद्रा पूछा मेरे दोस्तों, ताइवान में किस मुद्रा का प्रयोग करते हैं बताइए, क्या होता है दोस्तों? द करेंसी, ये करेंट नहीं है, करेंसी है मेरे दोस्तों, करेंसी, द करेंसी यूज्ड इन ताइवान, ताइवान की मुद्रा का नाम पूछा है, ताइवान की मुद्रा का नाम बता दीजिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? डॉलर, पाउंड, यूरो, क्रोन, जवाब देखा तो आपका। ताइवान सुना है, ताइवान की राजधानी ताइपे है, आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा ताइवान के करेंसी का नाम पूछा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही डॉलर टिक कर देना, डॉलर टिक कर देना, अगर एग्जाम में ताइवान की करेंसी पूछे तो डॉलर टिक कर देना, डॉलर टिक कर देना मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल निर्देशक सिद्धांत प्रेरित किया गया था, यानी निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है?
डीपीएसपी सीधे सीधे पूछा मेरे दोस्त कि डीपीएसपी कहां से लिया गया। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाब दें क्या उत्तर आपका, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, क्या उत्तर आपको बताएं। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया, तो बिल्कुल सही गाइस, आयरलैंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, आयरलैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नॉर्वे में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा क्या है। मुद्रा का नाम पूछा मेरे दोस्तों, मुद्रा का नाम बताइए क्या उत्तर आपका। करेंसी पूछा मेरे दोस्तों, करेंसी बताइए, करेंसी पूछा जा रहा है आपसे, बताइए क्या उत्तर आपका। यानी द करेंसी यूज इन नॉर्वे इज, बताइए भाई क्या उत्तर आपका। नॉर्वे में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा, ध्यान से स्पेलिंग को पढ़ना, डॉलर, यूरो, क्रोन, क्रोना। नॉर्वे में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर, यूरो, क्रोन, क्रोना। ध्यान से पढ़ना फिर जवाब देना, ध्यान से पढ़ना फिर जवाब देना, क्या उत्तर है आपका बताइए। नॉर्वे में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा का नाम पूछा है, बिल्कुल सही गाइस, क्रोन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, क्रोन इज द राइट आंसर। नॉर्वे में जो करेंसी यूज होती है उसे क्रोन कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यही नॉर्वे शांति का नोबेल पुरस्कार भी देता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, यानी सिंधु नदी कहां से निकलती है बताइए। कह रहा वेयर इट इज, वेयर इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ सिंधु रिवर। सिंधु नदी कहां से निकलती है मेरे दोस्त, सिंधु नदी कहां से निकलती है जवाब दें। डल झील, मानसरोवर, शेषनाग, वुलर लेक। भाई चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए भाई। अगर देखा जाए प्यारे दोस्तों तो सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, याद रखिएगा, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से। और नियर में झील कौन सा है, तो मानसरोवर मेरे दोस्तों, मानसरोवर लेक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, कह रहा है किस संस्थान ने सोशल मीडिया फॉर एम्पावरमेंट अवार्ड दक्षिण एशिया जीता है। विच इंस्टीट्यूशन हैज बैगेज द सोशल मीडिया फॉर एम्पावरमेंट अवार्ड साउथ एशिया। भाई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आज ही का करंट अफेयर्स है, आज ही का करंट अफेयर्स। बताएं किस संस्थान ने सोशल मीडिया फॉर एम्पावरमेंट अवार्ड दक्षिण एशिया जीता है, जवाब दें। IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, काइट एंड IIT मद्रास, क्या उत्तर दोस्तों जवाब दीजिए गाइस, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट लीजिए, कोशिश करिए, क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही गाइस, काइट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, काइट इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों 100 स्टूडेंट हो गए, प्यारे दोस्तों 100 स्टूडेंट हो गए। जितने भी 100 स्टूडेंट क्लास ले रहे हो, याद रखना लास्ट तक टिके रहना, लास्ट तक टिके रहना मेरे दोस्त, लास्ट तक टिके रहना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंस गया तो मैं मानूंगा कि सफल हो गया मेरे दोस्त, सफल हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज अनाउंस। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, जवाब दें। नीति आयोग की स्थापना पूछा है, 15 अगस्त 2015, 15 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015 और 26 जनवरी 2014, बताएं। नीति आयोग वॉज अनाउंस, अच्छा अनाउंस कहाँ है, अनाउंस पूछा है भाई। स्थापना जो हुई थी, स्थापना इसकी स्थापना 1 जनवरी को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और इसका अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2014 को इसकी स्थापना के लिए अनाउंस किया था मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिलीपींस में प्रयुक्त मुद्रा है, फिलीपींस की मुद्रा का नाम पूछा है। अब की बात बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं है, करेंसी यूज्ड इन फिलीपींस इज, फिलीपींस में कौन सी मुद्रा प्रयोग की जाती है, करेंसी फिलीपींस में कौन सी करेंसी है, डॉलर और साथ साथ में नायरा, पेसो, रेंड, जवाब दें क्या आपका। फिलीपींस की मुद्रा का नाम बताइए मेरे दोस्त, 22वें का क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सही पेसो। फिलीपींस की मुद्रा का नाम है क्या, पेसो, याद रखना पेसो इज द राइट आंसर, याद रखना पेसो इज द राइट आंसर। और यहां पे रेंड देख रहे हैं, ये रेंड पूछता है हमेशा, रेंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, याद रखे दोस्तों, रेंड कहां के, दक्षिण अफ्रीका की है दोस्तों, याद रखना। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, मुगल काल में गांव का कानून व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था, यानी मुगल काल में गांव का जो कानूनी अधिकारी था उसे क्या कहते थे, कानून गौ, पटवारी, मुकद्दम, कारकुन, जवाब दें, प्रयास करें, कोशिश करें, अटेम्प्ट लें, क्या उत्तर है आपका बताएं। अंजलि, अंजलि, अंजलि जी जवाब बिल्कुल सटीक आना चाहिए। सिमरन भाई जवाब दें, सिमरन जी जवाब दीजिए। आंसू सिंह का 22वें का सी आ रहा है, तानिया गहलोत का सी आ रहा है, गरिमा चौधरी का पेसो और विकास सिंह का पेसो
और साथ साथ में तानिया गहलोत का सी और उपासना ठाकुर का सी आ रहा है। बिल्कुल सही, मुकद्दम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, मुकद्दम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, मुकद्दम याद रखिएगा, मुकद्दम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, ठीक है, मुकद्दम इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों याद रखना, यानी गांव का जो कानून व्यवस्था का जो अधिकारी होता था उसे मुकद्दम कहा जाता था। मेरे दोस्त, मुकद्दम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन गाइस, कैबिनेट ने किस देश में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन को मंजूरी दी है? कैबिनेट ने किस देश में भारत के एक नए महावाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन को मंजूरी दी? बताएं, द कैबिनेट अप्रूव्स द ओपनिंग ऑफ ए न्यू कंसल्ट जनरल ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? जवाब दें, क्या उत्तर है आपका? प्रयास करिए दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? कैबिनेट ने किस देश में भारत के एक नए महावाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन को मंजूरी दी है? ओमान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स? जवाब दें, 24वें क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही, मालदीव्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, मालदीव्स इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है, हाल ही में कौन फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बनी है? पहली महिला पायलट पूछा मेरे दोस्त, पहली महिला पायलट बता दीजिए, क्या उत्तर है आपका? पहली महिला पायलट किसके? राफेल उड़ाने वाले, नीतु राव, पूजा जोशी, कीर्ति सिंह, शिवांगी सिंह? अरे ये तो कई बार कराया मेरे, कई बार आपको करा चुका हूं, बताइए। बिल्कुल सही, शिवांगी सिंह इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, और CHSL के पेपर में ये पूछा भी था, CHSL 2021 वाले में पूछा भी था, याद रखना। जगह इस अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का अगर सदस्य किसी को बनना है, राज्यसभा का किसी को सदस्य बनना है तो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25, 21, 23, 35, क्या उत्तर है दोस्तों? बताइए। बिल्कुल सही गाइस, 30 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो व्यक्ति को मिनिमम 30 साल की एज होनी चाहिए, और लोकसभा का बनना है तो 25 साल होनी चाहिए, याद रखना, लोकसभा का बनना है तो 25 साल होनी चाहिए। करेंसी यूज्ड इन हंगरी इज, कह रहा है हंगरी की मुद्रा का नाम बताएं, हंगरी की मुद्रा पूछा है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, याद रखना दोस्तों, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और आपसे पूछ रहा है हंगरी में किस करेंसी का प्रयोग करते हैं? यूरो, फॉरेंट एंड नेगुत्रम एंड येन? बताएं क्या आपका? जवाब दीजिए दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, क्या होता है आपका? यानी कि हंगरी में कौन सी करेंसी यूज होती है? बिल्कुल सही, फॉरेंट, याद रखना, फॉरेंट इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, फॉरेंट मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, कह रहा है आपसे, द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग इज, इंडियन प्लानिंग पूछा है, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, बताएं क्या होता है आपका? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अंबेडकर, M.V. रैया? जवाब दें, क्या उत्तर है आपका? फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं, B.R. अंबेडकर को कहते हैं, या M.V. रैया को कहा जाता है? यानी कह रहा है कि भाई योजना का पिता किसे कहते हैं, योजना का पिता किसे कहते हैं? तो M.V. रैया, याद रखिएगा, M.V. रैया ने प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की रचना की थी, जिसमें 10 साल का प्लान बनाकर देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात किया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर की पूछा जा रहा, तो गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर के साथ ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, किस राज्य में है? तो राजस्थान टिक कर देना। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जो बच्चा शेयर करता है भाई, उन सब से रिक्वेस्ट है, आप मेरे हैंड हैं, आप मेरे हाथ हैं प्यारे बच्चों, तो फटाफट गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा, और प्यारे दोस्त कम से कम शेयर करना शुरू करिए, मेरे दोस्त शेयर करना शुरू करिए तेजी के साथ, व्हाट्सएप पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, साथ साथ में गाइस फेसबुक पे शेयर करें, शेयर करते चले गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में GST किसका दोहरा मॉडल है? यानी भारत में जीएसटी कहां से लिया गया? इन इंडिया द जीएसटी इज ड्यूअल मॉडल ऑफ UK, कनाडा, USA, जापान। जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो फ्रांस था मेरे दोस्त, फ्रांस था। 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था, और अगर बात करें भारत में जीएसटी कब लागू हुए थे, तो 2017 में लागू हुए थे दोस्त, याद रखिएगा। और कहां से लिया था? तो कनाडा टिक कर देना, याद रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है किस राज्य ने मुख्यमंत्री COVID-19 अनुकंपा, ध्यान से सुनिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा
नियुक्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जवाब दें क्या उत्तर है आपका। प्रयास करें दोस्तों क्या उत्तर आपका। मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना किसने लागू किया, जवाब दें। बिल्कुल सही गाइस, मध्य प्रदेश टिक कर देना, मध्य प्रदेश टिक कर देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है बताएं। कुंभ मेला इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन नासिक, जवाब दें क्या उत्तर है आपका गाइस। ये तो आपने पढ़ा भी होगा मेरे दोस्त, पढ़ा भी होगा, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है बताएं। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिएगा इसका क्या उत्तर आपका। बिल्कुल सही गाइस, गोदावरी टिक कर देना, गोदावरी टिक कर देना, गोदावरी टिक कर देना। याद रखना दोस्तों, गोदावरी टिक कर देना। और प्यारे दोस्तों याद रखना कि यही गोदावरी नदी नासिक में त्रिंबक के पठार से निकलती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, बताइए गाइस क्या आंसर है दोस्तों। जॉर्डन में प्रयुक्त मुद्रा है, करेंसी यूज्ड इन जॉर्डन, जॉर्डन की मुद्रा का नाम पूछा जा रहा है आपसे, जॉर्डन की मुद्रा का नाम पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। दिनार, रियाल, शिलिंग, वॉन, क्या उत्तर दोस्तों। जॉर्डन में किस करेंसी का यूज किया जाता है मेरे दोस्त, बताइए 33 का उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, दिनार इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, दिनार इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। गाइस आगे बढ़ते हैं, जॉर्डन की करेंसी, जॉर्डन की करेंसी दिनार है, याद रखना दोस्तों। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्णयुग कहा जाता है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्णयुग कहा जाता है, पूछा है, जवाब दो क्या उत्तर आपका। यानी किस वंश का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बता दीजिए क्या उत्तर आपका। प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, क्या उत्तर है आपका बताएं। बिल्कुल सही गाइस, गुप्त काल को कहा जाता है, बिल्कुल सही, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही गाइस। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील पूछा मेरे दोस्त, सबसे बड़ी झील बताएं। विच आर द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, बताइए भाई क्या उत्तर आपका। चिल्का झील, वुलर झील, लोनार झील, सांबर झील, क्या उत्तर है दोस्त, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर आपका। अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, क्या उत्तर है आपका। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, अगर सबसे बड़ी झील पूछ दे तो चिल्का टिक कर देना, चिल्का टिक कर देना। कहां पे है, तो उड़ीसा में है दोस्तों, याद रखिएगा। कहां पे है, तो उड़ीसा में है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। चलेगा इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है राष्ट्रमंडल के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की। राष्ट्रमंडल कहां है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गाइस, बताइए क्या आपका। आज ही का करंट अफेयर्स है, आज ही का करंट अफेयर्स गाइस बताएं। राष्ट्रमंडल के देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 33वीं बैठक के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की। नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, अनुराग सिंह ठाकुर, नितिन गडकरी, क्या उत्तर होगा गाइस बताएं, क्या उत्तर होगा दोस्तों, जवाब दीजिए गाइस। प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, क्या उत्तर होगा आपका बताएं। बिल्कुल सही गाइस, हर्षवर्धन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो मेरे दोस्तों, मेहनत करो, दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करो, बनेगा, कंफर्म बनेगा, बिल्कुल कंफर्म बनेगा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है, दो सत्रों के बीच पूछा है, दो सत्रों के बीच में कितना अंतराल हो सकता है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट, टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट बताएं। 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, क्या होता है दोस्तों बताइए, क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर आपका। प्रयास करेगा इसका उत्तर आपका, जवाब सबको देना है गाइस, प्रयास करते चले। दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम इंटरवल, बिल्कुल सही। 6 मंथ, बिल्कुल सही, 6 मंथ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, 6 महीने इज द राइट आंसर। संसद के दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम, मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल हो सकता है, कह रहा है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस है, पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म, कह रहा है कलारी पिट्टू, चोबिया, भवई, कथकली बताएं। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, इसमें से क्या उत्तर होगा गाइस, प्रयास तो करो, क्या उत्तर होगा आपका। शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, बताइए गाइस क्या उत्तर होगा आपका। शास्त्रीय नृत्य पूछा है, शास्त्रीय नृत्य जवाब दीजिए, बिल्कुल सही। कथकली इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, कथकली इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ताकत लगा दो, लास्ट तक देखना है आज हमें, आज हमें गाइस करना है, गाइस जबरदस्त तरीके से करना है बताएं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, नहीं पूछा है, यानी कौन सी नदी, कौन सी नदी भारत में ओरिजिन नहीं होते। व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, क्या उत्तर दोस्तों बताइए भाई, क्या उत्तर आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज नो ओरिजिन इन इंडिया, बताइए भाई क्या उत्तर आपका। नो ओरिजिन पूछा है, नो ओरिजिन पूछा है, जवाब दें क्या उत्तर आपका।
प्रयास करेगा इसका उत्तर आपका अटेम्प्ट लीजिए दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों क्या उत्तर है आपका बताएं। देखो से गाइस सतलुज टिक कर दीजिएगा, सतलुज टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। विच इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड एलोन ओनली मेमोरी बताएं क्या होता दोस्त। जवाब दीजिए भाई क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार कौन सा है, जवाब दे दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही, फ्लैश, फ्लैश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, फ्लैश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। बिंबसार ने, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। बिंबसार जो हर्यक वंश का शासक था, बिंबसार हर्यक वंश का शासक था जिसने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। कौशल, अंग, अवंती, वैशाली बताओ क्या उत्तर आपका। बिल्कुल सही गाइस, अवंती टिक कर देना, अवंती टिक कर देना। अवंती के शासक थे चंड प्रदोत जिन्हें जॉन्डिस हो गया था, जॉन्डिस बीमारी के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था किसने, बिंबसार ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुलहस्ती पावर स्टेशन पूछ रहा है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है। जवाब दें क्या होगा आपका, दुलहस्ती पावर स्टेशन इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। बताइए भाई क्या होगा आपका, दुलहस्ती पावर स्टेशन पूछ रहा है मेरे दोस्तों, दुलहस्ती बताइए भाई आप कर सकते हैं, यू कैन डू दिस, जवाब दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही, चेनाब टिक कर दीजिएगा। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर, चेनाब नदी पर, किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने आत्मकथा सच कहूं तो की घोषणा की थी बताएं, सच कहूं तो किसने अपनी आत्मकथा सच कहूं तो बताएं किसने घोषित किया था। Who has announced the autobiography सच कहूं तो, बताइए भाई क्या उत्तर आपका। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। किसने अपनी आत्मकथा सच कहूं की घोषणा की है, बिल्कुल सही, नीना गुप्ता, याद रखिएगा नीना गुप्ता, याद रखिएगा नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं क्या, सच कहूं तो जारी किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं, अजंता में जो चित्रकारी है वो किस काल की है दोस्तों बताइए। कह रहा है व्हाट पीरियड द पेंटिंग इन अजंता केव्स, जवाब दें क्या उत्तर है आपका। मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, वर्धन वंश के, भाई प्रयास करते चलो मेरे दोस्तों, प्रयास करते चलो, जवाब देते चलो, कोशिश करते चलो गाइस क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही, गुप्त वंश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, गुप्त वंश इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जिसने अब तक लाइक नहीं किया भाई तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे दोस्त अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा निम्न में से किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे बताएं। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा का नाम सुना है, was an exponent of which of the following instrument, जवाब दें क्या उत्तर है आपका। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे, शहनाई, तबला, सितार, संतूर। 45 का क्या उत्तर होगा आपका, बिल्कुल गाइस तबला टिक कर दीजिएगा, यानी अल्लाह रखा जो थे तबला में इन्हें महारत हासिल थी, तबला में इन्हें महारत हासिल थी मेरे दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा पूछा है गुप्तकाल की, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त, स्वर्ण मुद्रा पूछ रहा है, कौड़ी, दिनार, निस्क और पण, बताएं भाई क्या होगा आपका। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका, बताइए भाई गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा का नाम। बिल्कुल सही कहा, दिनार कहा जाता है, दिनार कहा जाता है, याद रखना गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम एस स्वामीनाथन नाम सुना होगा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम सुना होगा आपने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया था बताएं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड साथ में एस्ट्रोफिजिक्स एंड फिजिक्स, बताइए भाई क्या तो आपका, जवाब दीजिए दोस्तों। एम एस स्वामीनाथन, आज तक इंडिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो इस व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, जरूर सुना होगा, जो हरित क्रांति के जनक थे, याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक थे, आपको पता है, अब तो बता दो क्या उत्तर है आपका। बिल्कुल सही गाइस, एग्रीकल्चर, याद रखिएगा एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 48वां कह रहा दोस्तों, एहोल अभिलेख नाम सुना, एहोल अभिलेख,
एओल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का विवरण देता है। इस अभिलेख के रचयिता थे, यानी एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी मेरे दोस्त, एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, जवाब दीजिए दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों। क्या उत्तर है आपका, जवाब सब लोग देंगे, क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल सही है, रवि कीर्ति इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, रवि कीर्ति इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पूरा यकीन है यहां पर एक एक बच्चा जवाब देगा। क्या उत्तर है आपका, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? बताओ भाई क्या उत्तर है आपका, जवाब दीजिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर, मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? जवाब दें क्या होगा आपका, मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम पूछा है, मोहाली का नाम सुना होगा चंडीगढ़ में है, मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? अमनप्रीत कौर, प्रकाश बादल, बलबीर सिंह, आकाश ढिल्लो, जवाब दो क्या उत्तर है आपका, 50वें का क्या उत्तर होगा आपका बताएं। बिल्कुल गाइस बलबीर सिंह, बिल्कुल सही, बलबीर सिंह इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बलबीर सिंह इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई, कार्डामम, नीलगिरी, शेवरो हिल्स, बताइए भाई क्या होगा आपका, जवाब दे दोस्तों, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं? अरे जवाब दे दो दोस्तों, जवाब दे दो दोस्तों, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही, नीलगिरी इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, दिन रात एक कर दिया है आप लोगों के लिए, दिन रात एक कर दिया है, लगातार पीपीटी पे पीवीटी हम लोग बनाए जा रहे हैं और जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए गाइस। ये रहा अगला क्वेश्चन, बताएं, शंभू महाराज ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, शंभू महाराज का नाम सुना है? शंभू महाराज एक्सेल्ड इन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, वाद संगीत, उर्दू शायरी, कथक नृत्य, जवाब दे दो दोस्तों, प्रयास करो दोस्तों, 52 नंबर का क्वेश्चन, जबरदस्त। बताइए, शंभू महाराज का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, शंभू महाराज कथक नृत्य से हैं, बिल्कुल सही। और कथक कहाँ का डांस है? तो यूपी का डांस है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। कथक कहाँ का? तो यूपी का डांस है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिछेंद्री पॉल, नाम सुना है? मिसेस बिछेंद्री पॉल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अनूठा अभियान चलाया था? बताएं, मिसेस बिछेंद्री पॉल हैड अंडरटेक ए यूनिक एक्सपेडिशन ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन विच ऑफ दिस? चार ऑप्शन है, एक राष्ट्र एक परिवार, द गर्ल चाइल्ड, राष्ट्रीय एकता, साहस की भावना, जवाब दें क्या उत्तर है आपका, बताएं फटाफट गाइस, जवाब दीजिए फटाफट गाइस, जवाब दीजिए, वन नेशन वन फैमिली, द गर्ल चाइल्ड, नेशनल इंटीग्रेशन, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बताएं बिछेंद्री पॉल के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था भाई, बताइए गाइस क्या उत्तर है आपका, अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल गाइस, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, बिल्कुल सही, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, 73वां संविधान संशोधन पूछा है, बताओ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड इन 1991, 1993, and 1993, and साथ साथ में कह रहा दोस्तों, none of these, बताएं क्या था दोस्तों, जवाब दीजिए भाई, अरे भाई जवाब दे दो दोस्तों, कब पारित किया गया था, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, प्यारे दोस्तों पंचायती राज सिस्टम को पारित किया गया था, याद रखना, पंचायती राज सिस्टम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, शिक्षा का संबंध है, बताएं, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, बताइए भाई क्या होता है आपका, जवाब दीजिए दोस्तों क्या होना चाहिए, शिक्षा का संबंध, बिल्कुल सही, कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल सही, कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला क्वेश्चन गाइस, मंगल पांडे, नाम सुना होगा आपने मंगल पांडे भाई का, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था, बताएं, 34वीं नेटिव, 22वीं नेटिव, 19वीं नेटिव
38वीं नेटिव। क्या उत्तर दोस्तों, बताइए भाई क्या उत्तर आपका। मंगल पांडे जो 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था, 34वीं से था, 22वीं से था, 19वीं से था, 38वीं से था, ये तो जवाब दे दो। क्या उत्तर है आपका, बिल्कुल सही गाइस, 34 नेटिव इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों, अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे दोस्त, अगर आप में से किसी ने शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें। जब आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्त कि बच्चा शेयर कर रहा है, अच्छा लगता है हम लोगों को भी गाइस कि हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोग हमें भी शेयर कर रहे हैं, तो ये हमें अच्छा लगता है दोस्तों। बताए कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा मेरे दोस्त, नहीं कह रहा। उत्तरपुर रेलवे गोरखपुर, दक्षिणपुर रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिणपुर मध्य रेलवे बिलासपुर। बताए फटाफट क्या होगा गाइस, बिल्कुल सही, दक्षिणपुर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो कलकत्ता में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कलकत्ता में ही याद रखना। और ये कोलकाता कहां पे है, तो भुवनेश्वर किसका है, तो भाई भुवनेश्वर किसका है, तो याद रखना ईस्ट कोस्टल रेलवे, याद रखिएगा ईस्ट कोस्टल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे, भुवनेश्वर में मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए कह रहा है, निम्नलिखित में से सत्यजीत रे का संबंध किससे था। सत्यजीत रे का नाम सुना है, सत्यजीत रे का सुना जरूर होगा मेरे दोस्त, जरूर सुना होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सत्यजीत रे एसोसिएटेड विद, बताएं सत्यजीत रे का संबंध किससे है, जवाब दीजिए, प्रयास करिए, अटेम्प्ट लीजिए, कोशिश करिए। क्या उत्तर है आपको बताएं, क्लासिकल म्यूजिक, कमर्शियल आर्ट, फिल्म डायरेक्शन एंड क्लासिकल डांस। बिल्कुल मुझे यकीन है कि गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और जवाब सटीक आएगा। बिल्कुल सही गाइस, फिल्म डायरेक्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। विपिन यादव का सी आ गया, नदीम का आंसर सी आ गया, प्रमोद का सी आ गया, गौरव का आंसर सी आ गया, अमित घोष का सी आ गया, और निशा का आंसर सी आ गया, लक्ष्मी सिंह का सी आ गया, सौरभ का सी आ गया, रॉ एजेंट का भी सी आ गया। चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है, भाई चॉकलेट खाने से सेहत बिगड़ती है, ये तो कंफर्म है भाई, चॉकलेट जो ज्यादा खाएगा दांत वात भी खराब हो जाएगा और सेहत भी खराब होगा, किसके कारण से, सीसा, निकेल, कोबाल्ट, जस्ता, बताओ क्या होगा आपका। चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होती है ये सब जानते हैं, तो चॉकलेट में सबसे ज्यादा क्या, तो बिल्कुल भाई निकेल होती है मेरे दोस्तों, निकेल की मात्रा ज्यादा होती है, इसे चॉकलेट ज्यादा मत खाना और बच्चों को भी ज्यादा मत खिलाना, ठीक है, याद रहेगा, बच्चों को भी ज्यादा चॉकलेट नहीं खिलाना है, याद रखना, क्लियर भाई, याद रखना, बच्चों को भी चॉकलेट नहीं खिलाना। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, बताइए भाई कौन बैठक करता है, यानी कि जब भी लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होगा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बिल्कुल सही गाइस, स्पीकर ऑफ लोकसभा, याद रखना मेरे दोस्तों, स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों सदनों के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करते हैं। कह रहा है निर्वाचन आयुक्त हटाए जा सकता है, बताएं, द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भाई ध्यान से पढ़ना और जवाब दे दो, क्या उत्तर है आपका बताएं, फटाफट गाइस जवाब दे दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, बिल्कुल सही, सी टिक कर दिया, बिल्कुल सही, क्या बात है दोस्तों, क्या खा कर आए हो यार, अब तो इतना स्ट्रांग हो गए हो, लगता है कि यस जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन किससे प्रसिद्ध थे, बताएं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पूछा मेरे दोस्तों, बताइए भाई क्या होगा आपका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड, बताएं जैव रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थशास्त्र और विज्ञान, भूविज्ञान, कह रहा है बताइए भाई क्या होगा आपका, जवाब दे दोस्तों, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, एक एक बच्चा जवाब देगा भाई, फटाफट जवाब दो, क्या उत्तर है आपका, प्रोफेसर अमर्त सेन पूछा है, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही, इकोनॉमिक्स थे गाइस, बिल्कुल सही, अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे कौन, अमर्त सेन, और हाल ही में अभी स्पेन सरकार ने, याद रखना स्पेन ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसने दिया, स्पेन की सरकार ने दिया है, बिल्कुल सही। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, बांदीपुर वाइल्ड लाइफ इज इन विच स्टेट, बताएं बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज
किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पश्चिम बंगाल में है, क्या उत्तर दोस्तों बताइए? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, बिल्कुल सही गाइस। कर्नाटका टिक कर देना, कर्नाटका टिक कर देना। अकबर के काल में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर के काल में सेना प्रमुख पूछा है आपसे, मीर बख्शी कहा जाता था, वजीर कहा जाता था, विजारत कहा जाता था, इंसा कहा जाता था, क्या उत्तर दोस्तों बताइए? व्हाट वाज द आर्मी चीफ कॉल्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ अकबर? जवाब दो, प्रयास करो, अटेम्प्ट लो, कोशिश करो, जवाब दो, क्या उत्तर है आपका बताएं। बिल्कुल गाइस, सेना प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था, मीर बख्शी कहा जाता था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन के समय में कौन यात्री भारत आया था? बताओ क्या उत्तर आपका। विच ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन? भाई हर्षवर्धन भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। बताइए भाई हर्षवर्धन के समय में कौन यात्री भारत आया था? फाइयान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, ड्रामेटस। ब्राइन, बिल्कुल सही गाइस, ह्वेनसांग ने गाइस इसे हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंटरपोल का अर्थ है? बताएं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इनमें से कोई नहीं, या पुलिस अधिकारियों का राष्ट्रीय संघ? बताएं भाई क्या होगा आपका। इंटरपोल सुना, इंटरपोल का नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये भी सुना होगा, ये इंटरपोल है क्या? बिल्कुल सही गाइस, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंजरा एक सहायक नदी है? मंजरा का तो नाम सुना होगा, बताइए, मंजरा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ? मंजरा किसकी सहायक नदी है? मंजरा किसकी सहायक नदी है? भीमा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, जवाब दो, प्रयास करो, अटेम्प्ट लो, कोशिश करो, क्या उत्तर है आपको बताएं? मंजरा नदी, बिल्कुल सही गाइस, गोदावरी टिक कर देना, गोदावरी टिक कर देना, याद रखना। अगला क्वेश्चन गाइस, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सीधे सीधे आपसे कह रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन सिचुएटेड? भाई ये क्वेश्चन लिख लीजिए, पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन सिचुएटेड बताएं क्या होता है दोस्तों? नीदरलैंड में है, ब्रिटेन में है, यूएस में है, फ्रांस में है, क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही गाइस, नीदरलैंड टिक कर देना, नीदरलैंड टिक कर देना मेरे दोस्तों, नीदरलैंड टिक कर देना। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है दोस्तों, बताइए? हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफरिंग? जवाब दें, भारत का महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, यानी इसमें से कौन सी ऐसी पोस्ट है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो अपने पद पे काम करेगा, याद रखना, भारत का महान्यायवादी, याद रखना, भारत का महान्यायवादी अपने पद पर तब तक काम करता है जब तक राष्ट्रपति का प्लेजर है, राष्ट्रपति जब चाहे पद से हटा सकता है, याद रखना। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया भाई तो लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक कर दीजिएगा, और दिल से गाइस, अगर आप मुझे दिल से चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों शेयर जरूर करिए गाइस, शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए गाइस, शेयर करते चले गाइस, फटाफट गाइस शेयर करते चलिए। सार्क की स्थापना कब हुई थी? When was SARC founded? 1982, 1984, 1985 और 1983, बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल सही, 1985 में SARC का फॉर्मेशन किया गया था, और कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डचों का पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था, यानी डचों ने अपना पहला फैक्ट्री पूछा है, द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री ऑफ डच वॉज सेटअप एट, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पुलिकट में, मछलीपट्टनम में, कालीकट में, इनमें से कोई नहीं, बताएं डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, मछलीपट्टनम, याद रखना, 1605 में गाइस मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी? बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया बताएं क्या होता है दोस्तों? लॉर्ड क्लाइव,
वेलेसली, कनिंगम और लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही गाइस, लॉर्ड वेलेसली ने, याद रखना लॉर्ड वेलेसली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत की गई थी। याद रखना दोस्तों, याद रखना दोस्तों, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। में से कौन भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था? अरे गुलाम वंश का संस्थापक पूछा, जवाब दो क्या उत्तर आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, बहमन शाह ने किया था, क्याकुबाद ने किया था, बताइए क्या था दोस्त, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर आपका। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक टिक कर देना, कुतुबुद्दीन ऐबक टिक कर देना। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इस इतिहास में कुरान खां भी कहा जाता है, कुरान खां भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था? लाख बख्श पूछा है, कई बार करा चुका हूं, कई बार करा चुका हूं, जवाब सटीक आना चाहिए, अब की बार याद रखना। लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? अकबर, बाबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बताएं भाई क्या होगा आपका। बिल्कुल सही गया, बिल्कुल सही, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय इतिहास में लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में, हिंदी में याद रखिएगा, भाषण देने वाला प्रथम भारतीय है, हिंदी में प्रथम, हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन था? कहां पर? यूएन जनरल असेंबली में दोस्तों, याद रखिएगा, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका। यूएन जनरल असेंबली में प्यार दोस्तों हिंदी में भाषण देने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, एबी वाजपेयी को बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी, क्या उत्तर दोस्तों बताइए, प्रयास करें दोस्तों क्या उत्तर आपका, जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर आपका। अटैम्प्ट लेते चले गाइस, अटैम्प्ट लेते चले दोस्तों, बिल्कुल सही, अटल बिहारी वाजपेयी। अरे अपने अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था, याद रखना। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में पूछा है, हु बिल्ट अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर, बताएं भाई क्या होगा आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, जवाब दो, प्रयास करो, अटेम्प्ट लो, क्या उत्तर है आपका बताएं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किससे बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या बलबन ने, जवाब दें। बिल्कुल सही गाइस, कुतुबुद्दीन ऐबक टिक कर देना, कुतुबुद्दीन ऐबक टिक कर देना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये रहा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, नाम सुना है, कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये तो भाई कई बार करा चुका हूं आपको, कई बार करा चुका हूं, कुवतुल इस्लाम मॉस्की वॉज बिल्ट बाय होम, बताइए भाई, अलाउद्दीन खिलजी, साथ साथ में कह रहा मेरे दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह, इल्तुतमिश के साथ साथ कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, बताएं कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुवतुल इस्लाम मस्जिद पूछा मेरे दोस्त, बताइए भाई क्या होगा आपका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुवतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? यानी न्याय का घंटा बोले तो और जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी सबसे ज्यादा गाइस किसने, सबसे ज्यादा किसने न्याय पे फोकस किया? बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर, बताइएगा इसका तो आपका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जहांगीर इज द राइट आंसर। और यही जहांगीर था जिसके टाइम पीरियड में चित्रकला, याद रखिएगा, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है, आई होप अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड, बताइए भाई, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड, बताएं, जनेवा में है, हेग में है, एम्स्टर्डम में है, वियना में है, क्या होता है दोस्तों, बताइए भाई क्या होता है आपका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइए, सब लोग जवाब दीजिए, आंसर बनेगा, कंफर्म बनेगा, मुझे पूरा यकीन है, अगर आप प्रयास करोगे तो बनेगा गाइस, बनेगा, 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 बिल्कुल सही गाइस, कहां पे है? हेग में है, बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। और हेग कहां पे है? तो नीदरलैंड में है दोस्तों, याद रखिएगा, नीदरलैंड में है, याद रखिएगा, नीदरलैंड में है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यहां पे जितने बच्चे क्लास ले रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में गाइस एक चीज की कमी नजर आ रही है कि आपके द्वारा बहुत सारे बच्चों के द्वारा शेयर नहीं किया जा रहा। भाई शेयर करने के लिए मैं कहता हूं तो कुछ ही बच्चे करते हैं, एक दो बच्चा करता है, बाकी लोग शांत रहते हैं। अरे भाई एक दो क्वेश्चन तो छूटेगा, अरे शेयर कर दो मेरे दोस्तों, एक दो क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे दोस्त, लाइक एंड शेयर बनता है मेरे दोस्त, शेयर करिए, शेयर करिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंद रोधी है, बताएं, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंद रोधी पूछा है, कह रहा है एंटीबैक्टीरियल फाउंड नेचुरली इन ह्यूमन ब्लड इज, बताइए, सेरोटोनिन, हिपेरिन, हीरोडीन एंड फाइब्रिनोजन, बताइए भाई क्या तो आपका। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंद रोधी कौन सा है, जवाब दें,
प्रयास करें दोस्तों, क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हेपेरिन, बिल्कुल सही गाइस, हेपेरिन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, हेपेरिन इज द राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन गाइस, सर मैं क्लास शुरू होने के पहले ही शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, निम्न में से जीन थेरेपी का पिता, जीन थेरेपी का पिता किसे कहा जाता है? बताएं, कह रहा हूं अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी बताइए क्या होता है दोस्तों, जीन थेरेपी का पिता किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? जवाब दे दीजिए दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? जीन थेरेपी का पिता किसे कहा जाता है? बताएं, रिचर्ड एफ हेक, विलियम एफ एंडरसन, थियोडोर लिबर एंड रॉबर्ट जी एडमार्ड्स। बताइए भाई क्या होगा आपका? जीन थेरेपी का पिता पूछा है, बिल्कुल गाइस, विलियम एफ एंडरसन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, 81 का बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, राइट आंसर। कह रहा है अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है पूछ रहा है, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक बताइए, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। क्या होता है दोस्तों, जवाब दीजिए भाई, प्रयास करें दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नर्मदा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, नर्मदा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब मान्यता प्राप्त है, संपत्ति का अधिकार आपको पता ही है कि राइट नाउ 300A में है, याद है आपको, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटा दिया गया था, यानी संपत्ति के अधिकार को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्री से हटाया था, 300A में है और राइट नाउ क्या है, लीगल राइट है, बिल्कुल सही, लीगल राइट है मेरे दोस्तों, याद रखना लीगल राइट है। कह रहा है हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा किया जाता है, इसका नाम क्या है? बताएं, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है एक प्रोटीन द्वारा किया जाता है, जिसका नाम क्या है? जवाब दें, कह रहा हीमोग्लोबिन, कैरेटिन और कोलेजन और मायोग्लोबिन। बताएं क्या होता है दोस्तों, 84 का क्या होता है आपका? 84 का जवाब दीजिए, यानी हमारे रक्त में ऑक्सीजन का आपूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? भाई कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, कोरोना काल में ऑक्सीजन कमी थी, तो आंसर टिक कर देना हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन करता है, याद रखना, बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति का ठीक विपरीत होगा? मुद्रा स्फीति का ठीक विपरीत पूछा है, यानी मनी इन्फ्लेशन का विपरीत पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, बताइए भाई क्या होगा आपका? जवाब दीजिए दोस्तों, प्रयास करें दोस्तों, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। अरे बता दो इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होगा, इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होगा? अरे हर कोई जानता है डिफ्लेशन होता है मेरे दोस्तों, डिफ्लेशन होता है, याद रखना, इन्फ्लेशन का उल्टा हमेशा डिफ्लेशन होता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित फर्स्ट सोसाइटी थी, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित फर्स्ट सोसाइटी कौन सी थी? राजा राम मोहन राय ने फर्स्ट सोसाइटी की स्थापना कौन सी की थी? जवाब दें, द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आत्मसभा, ब्रह्म सभा और तत्व बोधिन सभा। अरे हर कोई जानता है, बिल्कुल सही, आत्मसभा की स्थापना की थी, आत्मसभा का फॉर्मेशन 1814 में किया था, बिल्कुल सही, और ब्रह्म समाज कब स्थापित किया था? तो ब्रह्म समाज 1828 में किया था, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है फ्रेंच मोरो ग्रांड प्रिक्स, याद रखिएगा, फ्रेंच मोरो ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? जस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 28 मई का करंट अफेयर्स है, ये बताइए क्या उत्तर आपका? 28 मई का करंट। कह रहा है हु हैज वॉन द फ्रेंच मोरो ग्रांड प्रिक्स 2020, बताएं क्या उत्तर दोस्तों, बताइए भाई क्या उत्तर आपका, बताइए, जैक मिलर एंड लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टरपेन एंड सेबेस्टियन वेटल। जवाब दें क्या उत्तर आपका? बिल्कुल गाइस, जैक मिलर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, जैक मिलर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान गठन किया गया था, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किसके समय में किया गया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, बताएं, लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 15वां और लुई 16वां। जवाब दो क्या उत्तर है आपका, प्रयास करो दोस्तों, क्या उत्तर है आपका? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान गठन किया गया था, बिल्कुल सही गाइस, लुई 14वां, याद रखना, लुई 14वें के समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया गया था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन में इंडिया हाउस पूछा है, लंदन में इंडिया हाउस का फॉर्मेशन, इंडिया हाउस का फॉर्मेशन किसके समय में? इंडिया हाउस इन लंदन वॉज एस्टैब्लिश बाय, बताए भाई क्या होगा आपका? जवाब दीजिए श्याम जी किस वर्मा, भरतुल्ला, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल। जवाब दो क्या उत्तर आपका? बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, श्याम जी किस वर्मा, याद रखिएगा, श्याम जी किस वर्मा इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा दाल दाल किसका अच्छा स्रोत है, दाल यानी पल्सेस पूछा है, पल्सेस आर गुड सोर्सेस ऑफ, कह रहा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन्स। जवाब दें क्या होता है आपका, दाल किसका सोर्स है गाइस, सबसे ज्यादा दाल, सबसे ज्यादा दाल में क्या पाई जाती है, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, याद रखना सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त किया था, बताएं सत्याग्रह का प्रयोग कहां पे किया था भाई, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज द सत्याग्रह मैकेनिज्म, दांडी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, बताएं क्या होता दोस्तों, भाई जवाब दीजिएगा इसका तो आपका अटेम्प्ट प्लीज दोस्तों, क्या होगा आपका प्रयास करें दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपको बताएं, सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां पर, बिल्कुल सही गाइस चंपारण टिक कर देना, 1917 में चंपारण में सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, कैप्टन सॉन्डर्स जो था किसके द्वारा गोली से मारा गया, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, बताएं अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा मारा गया था, बताए भाई, अरे भाई सब लोग जानते हैं भगत सिंह ने मारा था, बिल्कुल भगत सिंह ने हत्या कर दी थी, याद रखना भगत सिंह के द्वारा हत्या किया गया था, किसको, कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी, याद रखना मेरे दोस्तों कैप्टन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन गाइस कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, बताएं क्या होता दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिए, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया गया 1907, 1922, 1931, 1940, बिल्कुल सही गाइस 1940 टिक कर देना, और कहां पर, तो लाहौर में स्वीकार किया गया था, याद रखना लाहौर में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोरक्को का यात्री मोरक्को से इब्न बतूता किसके शासन के दौरान भारत आया था, इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, बताइए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन बलबन और कुतुबुद्दीन ऐबक, बताएं क्या होता दोस्तों, बताए भाई क्या होता आपका, जवाब दीजिए दोस्तों प्रयास करें दोस्तों क्या उत्तर है आपका, बताएं फटाफट का जवाब दीजिए दोस्तों क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, भाई एक एक बच्चा जवाब देगा क्या उत्तर है आपका, प्रयास करें दोस्तों क्या उत्तर है आपका, एक एक बच्चा जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, किसके समय में इब्न बतूता भारत आया था, बताओ जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है आपका, फटाफट जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है आपका, चलेगा बिल्कुल सही मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही 1333 में, याद रखना 1333 में, कल भी पूछा था मैंने यह क्वेश्चन आपसे, 1333 में मोरक्को का यात्री था, 1333 ईस्वी में एमबीटी के समय भारत आया था। डाउन सिंड्रोम आपने सुना है, डाउन सिंड्रोम में गुण सूत्रों की संख्या होती है, बताएं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज, बताए क्या होता दोस्तों, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज 46, 47, 48, 49, जवाब दें प्रयास करें कोशिश करें अटेम्प्ट लें क्या होता है आपका, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है, 47 होती है, 48 होती है, 49 होती है, बताएं डाउन सिंड्रोम में, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों बी 47 याद रखना, बी 47 होती है याद रखना। अगला क्वेश्चन गाइस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, बताएं भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, 35, 36, 45, 49, क्या होता है दोस्तों, बताइए भाई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, जवाब दें कैसे होता है आपका, प्रयास करें दोस्तों क्या होगा आपका, बिल्कुल सही 1949 टिक कर देना, बिल्कुल सही 1949 टिक कर देना, राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, बताएं कह रहे यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विद इट्स डांस, बताएं कह रहे यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस डांस से है, कुचिपुड़ी से, मणिपुरी से, कथक से, कथकली से, बताएं किससे क्या उत्तर होगा इस, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध पूछा है। प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों अब तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दीजिएगा और अब तक अगर शेयर नहीं किया मेरे दोस्तों शेयर कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर करते चलें बिल्कुल सही। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध बिल्कुल सही कुचिपुड़ी डांस से, बिल्कुल सही कुचिपुड़ी से संबंधित है, कौन यामिनी कृष्णमूर्ति, याद रखना मेरे दोस्तों याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंशीधर द्वारा विकसित तमाशा, ये तो आया था ना सीएचएसएल में पूछा था बताएं तमाशा लोकनृत्य किससे संबंधित है, बताएं तमिलनाडु,
केरल, पंजाब और महाराष्ट्र, बताएं क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र टिक कर देना। महाराष्ट्र वंशीधर द्वारा विकसित तमाशा डांस महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से है, याद रखना दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से है। कंठमाला के कारण होने वाली बीमारी है, मम्स इज डिजीज कॉज बाय, बताइए भाई क्या होगा आपका? मम्स पूछा है, मम्स यानी मम्स एक बीमारी है दोस्तों, याद रखिएगा। ये किसके कारण से होती है? मम्स सुना है, मम्स किसके कारण होती है? फंगस से होती है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस से होती है, नन ऑफ दिस, जवाब दीजिए क्या होता है आपका? बिल्कुल सही गाइस, वायरस से होती है, याद रखना। मम्स जो है वायरस से होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप, याद रखना दोस्तों, कह रहा है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, अरे ये तो कोई भी जवाब दे देगा, उडकमंड, अनईमुदी, डोडाबेटा, महाबलेश्वर, बताएं, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिल्कुल सही, अनईमुदी टिक कर देना, अनईमुदी टिक कर देना, याद रखना। अनईमुदी कितना है? तो अनईमुदी की सबसे ऊंचाई है इसकी ऊंचाई दोस्तों 2695, बिल्कुल सही 2695 मीटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु सुना है, देश बंधु की उपाधि, द टाइटल ऑफ देश बंधु इज रिलेटेड टू, जवाब दें, प्रयास करें दोस्तों, कोशिश करें दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, विपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल सही गाइस, चित्तरंजन दास, बिल्कुल सही, चित्तरंजन दास ने एज ए देश बंधु की उपाधि धारण किया था। अगला कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? बताएं कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? बताइए 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन, क्या होता है दोस्तों? बताइए भाई क्या होगा आपका? अगर राष्ट्रपति को महाभियोग से पद से हटाना है, महाभियोग से पद से हटाना है तो उसे कितने दिन पहले सूचना देना होगा? बिल्कुल सही 14 दिन पहले सूचना देना होगा, बिल्कुल सही 14 दिन पहले सूचना देना होगा। रतौंधी नाम सुना है? रतौंधी, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी पूछा है, कह रहे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन, बताएं क्या होता है दोस्तों? रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, जवाब दो क्या उत्तर है आपका? प्रयास करो दोस्तों, अटेम्प्ट करो दोस्तों, कोशिश करो दोस्तों, जवाब दीजिए दोस्तों क्या उत्तर है आपका, बताएं। बिल्कुल सही गाइस, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए इज द राइट आंसर, याद रखना। मलेरिया रोग नाम सुना, मलेरिया रोग, मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन, कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, जो मलेरिया बीमारी होती है इसके उपचार के लिए कुनैन का निष्कर्षण कहां से किया जाता है? बताएंगे तो आपका द इफेक्टिव ड्रग ऑफ मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कुनैन, क्या होता है दोस्तों? क्या होता है गाइस? सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, कत्था वृक्ष से, अरे हर कोई जानता है सिनकोना की छाल से निकाला जाता है, बार्क ऑफ सिनकोना, याद रखना, बार्क ऑफ सिनकोना याद रखना प्यारे दोस्तों। कह रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बताएं हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों याद रखना, कल मैराथन क्लास है, कल मैराथन है, याद रखना, मैराथन की टाइमिंग 9 PM है, याद रखना, 9 PM पे मैराथन होगी कल, याद रखना, कल 9 बजे, कल रात 9 बजे मैराथन क्लास होगी, याद रखना, कल रात 9 बजे मैराथन क्लास होगी। हिमालय बिल्कुल सही गाइस, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल, याद रखना फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन गाइस कह रहा है त्वचा का रंजकता किसके कारण होता है? बताएं कह रहा है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन इज ड्यू टू, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन होता है ना भाई, पिगमेंटेशन के कारण स्किन कैसा हो जाता है? काला काला हो जाता है, किसके कारण? पिगमेंटेशन के कारण। तो ये पिगमेंटेशन किसके कारण होता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिकोसाइट्स और मेलेनोसाइट्स, बनाएं क्या तो आपका? जवाब दीजिए दोस्तों क्या तो आपका? अटेम्प्ट इस दोस्तों क्या तो आपका? कोशिश करेंगे गाइस क्या आंसर होगा आपका? बिल्कुल गाइस मेलेनोसाइट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, मेलेनोसाइट्स इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और गाइस सब्सक्राइब जरूर करें, याद रखना। प्यार दोस्तों, अगर आप में कोई भी ऐसा बच्चा जो SSC सीजल की तैयारी कर रहा हो, सीजल की तैयारी कर रहा हो और उसे क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज के आज एडमिशन लीजिए, डबल वैलिडिटी मिल रही है मेरे दोस्तों, डबल वैलिडिटी मिल रही है गाइस, 1147 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, याद रखना। और कोड लगा दीजिएगा Y242, Y242 कोड लगाइएगा और आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा।
अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, डबल वैलिडिटी मिल रही है मेरे दोस्त। जब 10 जून से बैच स्टार्ट और इसकी फीस है गाइस बहुत ही कम, मात्र 1379 रुपये देकर आप ये बैच ले सकते हैं। और कोड लगा दीजिएगा Y242, याद रखना Y242 कोड लगाइएगा और आप ये बैच परचेस कर सकते हैं। अगर आप एडवांस मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करें। प्रतिज्ञा बैच गाइस 1 जून से आ रहा है, 1 जून से प्रतिज्ञा बैच आ रहा है मेरे दोस्त, 1 जून से प्रतिज्ञा बैच। और गाइस 78% का डिस्काउंट है और कोड लगा दीजिएगा Y242, याद रखना Y242 कोड लगाइए और कोड लगाए गाइस आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में कोई भी बच्चा डबल वैलिडिटी गाइस 12 प्लस 12 मंथ की वैलिडिटी चाहता है तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा ये मंथ एंड ऑफर चल रहा है गाइस, 12 प्लस 12 मंथ की वैलिडिटी चल रही है दोस्तों, यानी टोटल 24 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी, 24 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। कोड लगा दीजिएगा गाइस Y242 कोड लगाना और 2299 याद रखिएगा, 2299 में आपको ये मिल जाएगा 2299 में। प्यार दोस्तों अगर आप GD कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 78% का डिस्काउंट इस पर भी है। कोड लगा दीजिएगा गाइस, क्या कोड लगाना है, Y242 याद रखना, Y242 कोड लगाइएगा, आपको GD कांस्टेबल का बैच मिल जाएगा एज ए महापैक। और प्यार दोस्तों कल मैराथन क्लास है, याद रखना कल मैराथन क्लास है भाई, कल मैराथन क्लास है तो याद रखना 200 MCQ का टारगेट रहेगा कल, 200 MCQ का टारगेट रहेगा, 200 MCQ का टारगेट रहेगा कल गाइस याद रखना। तो कल 200 MCQ करेंगे मैराथन क्लास में और टाइमिंग याद रखना मेरे दोस्तों 9 बजे आ जाना, 9 PM पे सब लोग जरूर आ जाना, दुनिया के किसी भी कोने में रहो रात के 9 बजे कल संडे को मैराथन क्लास है, तो कल क्लास लेने जरूर आना। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।